बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू नोट स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। डियर स्टूडेंट, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द डिफिनीशन ऑफ मेटल एंड कंपैरिजन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। नाउ लेट्स रिकॉल द मेन पॉइंट्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर। सो व्हाट इज नॉन मेटल? अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट विच गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन एनायन। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन is non-metal which gain electron to form chloride anion. Okay, and non-metal are electronegative, so they have the tendency to gain electron. Next is comparison between metals and non-metals. The first comparison between metal and non-metal is metal are electron donor during chemical reaction and they are reducing agent, while non-metal are electron acceptor during chemical reaction and they are oxidizing agent. Okay, इस पॉइंट को उल्टा करके लिखना है तो आपके पास non-metal का पॉइंट हो जाएगा। Second, they become positive charge ion in solution. Metal become positive charge ion in solution while non-metal become negative charge ion in solution. Okay, third, some metal can replace hydrogen from acid to salt. कुछ metal आपके पास acid से hydrogen को replace करते हैं, while non-metal cannot replace hydrogen from acid. They form basic oxide when dissolved in water, while non-metal form acidic oxide when dissolved in water. They form ionic chloride while non-metal form covalent chlorides. They do not combine easily with hydrogen. A few hydride are ionic. Metal do not combine easily with hydrogen while non-metal easily combine with hydrogen. Okay, seventh point is usually solid at room temperature except mercury. All metal are solid at room temperature except mercury, while non-metal can exist in solid, liquid and gaseous form. Point number 8, they are good conductor of heat and electricity, while non-metal are poor conductor of heat and electricity. Now student, in this lecture we discuss about the electronegative character. What is electronegative character and which element are most and least electronegative in periodic table? Electronegativity, इससे पहले भी आपने discuss किया है student, electronegativity हम किसी भी कंबाइन स्टेट में एलिमेंट की फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट हमारे पास कंबाइन स्टेट में, उन्होंने बाड बनाए हुए, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इट्स सेल्फ। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ एन एटम एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कोवलेंट बाड टू इट्स सेल्फ। ओके, इफ टू एटम form a covalent bond and these covalent bond electron which atom shared attracted more toward itself are said to be more electronegative atom. Okay, in short we can say that element on extreme right corner of periodic table will be most electronegative element. डियर स्टूडेंट, हमारे पास कवलेंट बाड के अंदर कवलेंट बाड के जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको अपनी तरफ खींच के रखने वाले एलिमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं, ये हमारे पास पीरियाडिक टेबल के राइट साइड राइट कॉर्नर में हमारे पास पाए जाते हैं। ओके, लेफ्ट साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जबकि एक्सट्रीम राइट पे हमारे पास क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं विच आर नॉन मेटल। ओके, एंड यू नो दैट ऑल नॉन मेटल एक्ट एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिकॉज नॉन मेटल कैन गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड नॉन मेटल कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। हियर स्टूडेंट, ग्रुप 7 इन नॉन मेटल आर दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर हम बात करें स्पेसिफिक एक ग्रुप की बात करें, तो हमारे पास पीरियाडिक टेबल के अंदर ग्रुप 7 एक ऐसा
ग्रुप है जिसके अंदर मोस्टली हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पाए जाते हैं, और ग्रुप सेवन को स्पेसिफिकली हम नाम देते हैं हैलोजन। ओके, ग्रुप सेवन आर स्पेसिफिकली हैलोजन फैमिली या हैलोजन ग्रुप, ग्रुप हैलोजन, इट इज़ ग्रुप सेवन। ओके, नोट दिस, ये हैलोजन आपके पास ग्रुप सेवन होता है और ये एक्सट्रीम राइट पे आपके पास पाए जाते हैं पीरियाडिक टेबल के। हैलोजन के वर्डिंग मीनिंग हमारे पास क्या है, हेलो का मतलब होता है साल्ट, हेलो मीन साल्ट एंड जिन्स मीन फार्मर, इट्स मीन दैट हैलोजन आर साल्ट फार्मर। हैलोजन के जितने भी एलिमेंट होते हैं ये साल्ट की फॉर्मेशन करवाते हैं, इसलिए हम कहते हैं हैलोजन इसको कहते हैं। ओके, साल्ट किस तरह आपने देखा होगा NaCl में आप देख सकते हैं कि Cl क्या है, हैलोजन है या नहीं है। सो Cl NaBr, Br आपके पास हैलोजन एलिमेंट है या नहीं है, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशन करवाते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप सेवन एलिमेंट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज हैलोजन। ओके, ग्रुप सेवन के जितने भी एलिमेंट हैं उसको कलेक्टिवली हम कहते हैं हैलोजन, और इसमें टोटली हमारे पास पांच एलिमेंट आ जाते हैं स्टूडेंट। ओके, वो पांच एलिमेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। ये एक तरतीब से अगर आप ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम देखते हैं तो आपके पास फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन आते हैं, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और फिर एस्टाटीन। मतलब ये एक कॉलम की फॉर्म में अगर हम देखें तो ये सबसे टॉप पे होते हैं और ये सबसे लास्ट में। दीज आर फाइव एलिमेंट विच आर बेसिकली कलेक्टिवली कॉल्ड एज हैलोजन। ओके, नाउ स्टूडेंट, हैलोजन में क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं, क्या डिफर होता है, अगर हम इनकी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। फिजिकल स्टेट से पहले हम अगर इसकी अकरेंस की बात करते हैं तो दे डू नॉट एग्जिस्ट इन एलिमेंटल फॉर्म इन नेचर। कभी भी हैलोजन हमारे पास इतने रिएक्टिव होते हैं स्टूडेंट के ये कभी भी आपके पास एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे फ्लोरीन ला के दे दो या आयोडीन ला के दे दो, तो आप सिर्फ आयोडीन नहीं ला के दे सकते, I2, F2, N2 इस तरह की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इनके मॉलिक्यूलर फॉर्म हमारे पास क्या होते हैं, F2, Cl2, Br2, I2, S2, As2, ठीक है, इस तरह की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ये आपने फार्मूले इनके देखे होंगे, अभी तक हम काफ़ी पढ़ के आ चुके हैं इसके बारे में। तो दे डू नॉट एग्जिस्ट इन एलिमेंटल फॉर्म बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड कंबाइन विथ इटसेल्फ टू फॉर्म F2, Cl2, Br2, I2 एटसेट्रा। फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। अगर हम पहले दो एलिमेंट को देखते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन को, तो ये हमारे पास गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा एक हमारे पास लिक्विड स्टेट में होते हैं जिसको कहते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड में होते हैं और आयोडीन और एस्टाटीन हमारे पास सॉलिड स्टेट में होते हैं। याद रखिएगा, एस्टाटीन जो हमारे पास होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ओके, तो दीज आर सम ऑफ दी प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। हैलोजन आर ग्रुप सेवन एलिमेंट, दीज आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, एग्जिस्ट इन एलिमेंटल फॉर्म इन नेचर। एट रूम टेम्परेचर फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, वाइल ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन एंड एस्टाटीन आर सॉलिड, वाइल एस्टाटीन आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हैलोजन रिएक्टिविटी। अगर हम हैलोजन की रिएक्टिविटी को देखते हैं तो हमारे पास ये कितने रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको देखते हैं। डी स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने बात की कि ये आपके पास पीरियाडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट पे एग्जिस्ट करते हैं, और आपको पता है एक्सट्रीम राइट पे हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं उनके साइज़ छोटे होते हैं, साइज़ छोटे होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट उनका कम होता है। ओके, सो
इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैलोजन की हमारे पास आ जाती है NH2NP5। ओके, NH2 मीन यहाँ पे N की वैल्यू पीरियड वाइज चेंज हो सकती है। सेकंड पीरियड के लिए 2S2 2P5 हो सकते हैं, थर्ड के लिए 3S2 3P5 हो सकते हैं, फोर्थ के लिए इसी तरह चेंज हो सकते हैं, फिफ्थ के लिए 5N की वैल्यू यहाँ पे 2 से लेकर 5 तक जा सकती है। जबकि हमारे पास S और P के इलेक्ट्रॉन इसी तरह होंगे, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रुप 7 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 7 एलिमेंट के में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आप गिन सकते हैं 5, 4, 2, 7। ओके, ये हमारे पास इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। आप देख सकते हैं कि 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट हैं। जिस एटम के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हो, उसको चाहिए होता है एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करे। ओके, सो दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। आपको पता है दो किस्म के रूल है, डुप्लेट और ऑक्टेट। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में मैंने करवाए हैं ये आपको, कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल जिसके वैलेंस शेल में 7 हों तो उसको 1 चाहिए होते हैं, जिसके 6 हों तो उसको 2 चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए, और वो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म एन आयन कॉमनली नोन एज हैलाइड आयन। हमेशा क्या करते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी स्पीशीज से लेता है। ओके, ये किसी ना किसी स्पीशीज से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके एन आयन बनाते हैं। एन आयन को इसके एन आयन को बोलते हैं हैलाइड आयन। ओके, आपको पता है व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म एन आयन एंड द एन आयन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड हैलाइड। ओके, यू कैन सी दिस X2 इज, लेट सपोज आपको पता है X2 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। X इज एनी हैलोजन एलिमेंट एंड दे एग्जिस्ट इन डायटॉमिक फॉर्म। ओके, नॉट X, दे एग्जिस्ट इन डायटॉमिक फॉर्म। X2, F2, N2, O2 अभी मैंने बताया था, तो डायटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 हैलाइड आयन बनेंगे। इसी तरह लेट सपोज इसको जर्नल करके, जर्नल से हम अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमारे पास हैलाइड आयन, 2 हैलाइड आयन बनेंगे। क्लियर, सो इट्स मीन दैट हाउ क्लोरीन आर रिएक्टिव। यहाँ से आपको पता चल सकते हैं क्लोरीन आर एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ पीरियडिक टेबल, दे एग्जिस्ट इन डायटॉमिक फॉर्म एंड दे कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सो दीज आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल। बिसाइड दिस यू नो दैट फ्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑल पीरियडिक टेबल। ओके, विच बिलोंग टू हैलोजन फैमिली। नाउ कम टू दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैलोजन की क्या होती हैं, कैसे होती हैं, अभी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की मैंने पा, उसके अलावा दे एग्जिस्ट ऑन इन 3 फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर, अभी हमने डिस्कस किया सॉलिड में भी हैं, लिक्विड में भी है और गैसेस फॉर्म में भी हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिकसिटी। ओके, हमारे पास नॉन मेटल है, नॉन मेटल से आपको पता है कि करंट और हीट पास नहीं होता, सो दैट्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिकसिटी। नाउ स्टूडेंट, एक टेबल की फॉर्म में हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके बुक में गिवन है उसको डिस्कस करते हैं। दिस स्टूडेंट, यहाँ से हम इस टेबल से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन एलॉन्ग विद ईयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सम ऑफ इट्स अदर फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन लिखे हुए हैं, ये एलिमेंट लिखे हुए हैं हैलोजन के। इस साइड पे हमारे पास एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर, डेंसिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लिखी हुई है। ओके, कुछ चीज़ें तो अभी ज़रा पहले हमने डिस्कस की, लेकिन कुछ जो हमसे रह गई हैं उस टेबल से हम डिस्कस करते हैं। ऑल दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, फ्लोरीन का होता है 9, क्लोरीन का होता है 17, ब्रोमीन का होता है 35, आयोडीन का 53 और एस्टेटीन का 85। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले की अगर हम हीलियम से स्टार्ट करते हैं, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, दो उसके 2s2, उसके बाद 2s2 2p5, 5 और 2 7 और 2 हीलियम के क्या हो जाएंगे,
नाइन हो जाएंगे या नहीं, सो नाइन। इसी तरह नियान के स्टार्ट करते हैं, नियान के टेन होते हैं, टेन और सेवन सेवनटीन। इसी तरह आर्गान, आर्गान के एटीन होते हैं, एटीन प्लस टेन प्लस टू प्लस फाइव इज इक्वल टू थर्टी फाइव। इसी तरह नेक्स्ट के हो जाते हैं और इसी तरह नेक्स्ट के भी थर्टी फाइव एटी फाइव क्लियर हो जाते हैं। सो दीज आर द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो कलर की अगर बात करें तो येलोइश गैस की फॉर्म में होते हैं, ये ग्रीन गैस की फॉर्म में होते हैं क्लोरीन, और हमारे पास ब्रोमीन ब्राउन वेपर की फॉर्म में या डार्क रेड लिक्विड की फॉर्म में आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड पर्पल डार्क क्रम्पली सॉलिड पर्पल वेपर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये आपके पास ब्लैक सॉलिड डार्क वेपर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये आपके पास रेडियो एक्टिव होते हैं। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, हमारे पास हर एक के मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस किए हुए, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ मेंशन है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं। याद रखिए कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले गैसेस के माइनस 220, ओके, ये गैसेस फॉर्म है इसलिए माइनस की फॉर्म में लिखे हुए, ओके, माइनस में होता है इनका, माइनस में होता है फ्लोरीन और क्लोरीन का, इसका भी ब्रोमीन का भी माइनस में होता है, जबकि आपके पास आयोडीन सॉलिड में होते हैं और ये भी सॉलिड में होते हैं, तो इनका 14 और 302 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट -188, -34 एंड 59, क्योंकि ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, 184 और ये भी सॉलिड है, 380। उसके अलावा एटॉमिक रेडियस अगर पिकोमीटर में हम देखते हैं तो 72, आप देख सकते हैं कि एटॉमिक साइज कितना आपके पास बड़ा होता है। आपको बताया था कि ग्रुप वाइज अगर हम जाते हैं तो 72 पिकोमीटर से लेकर 227 पिकोमीटर तक साइज बड़े होते हैं। यहाँ पे मतलब एक्सट्रीम फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हेन वी आर मूविंग द एटॉमिक साइज ऑफ हैलोजन एलिमेंट इंक्रीजेस। डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी भी आपके पास ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, 1 है और इस साइड 4 तक आ जाती है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी याद रखिएगा जितना एटॉमिक साइज कम होता है आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो एटॉमिक साइज सबसे बड़ा यहाँ होता है, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम इसकी होगी। आयनाइजेशन एनर्जी साइज सबका छोटा इधर होता है तो इसकी सबसे ज़्यादा होती है, आप देख सकते हैं 1681 है और यहाँ 1008 है, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इसकी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू एन एटम। याद रखिएगा जितना इलेक्ट्रॉन को एक एटम गेन कर सकता है उतने ही उसकी आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू भी ज़्यादा रिलीज होगी। यहाँ पे ये माइनस इसको शो कर रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है, या माइनस वैल्यू माइनस में नहीं है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डज नॉट इन माइनस, ओके, ये माइनस इसलिए शो कर रहे हैं कि रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है, एटम से एनर्जी रिलीज हो रही है, माइनस शो फॉर एनर्जी रिलीजिंग, ओके। सो कौन सा ज़्यादा एलिमेंट एनर्जी रिलीज करेगा, आपको पता है जितना साइज जितना छोटा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। साइज सबका सबसे छोटा फ्लोरीन का होता है इसलिए 322 और 295, आप देख सकते हैं कि साइज छोटा होने की वजह से एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज हो रही है, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं तो यू नो दैट द एलिमेंट विच आर स्मॉलर इन साइज हैविंग मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, एंड फ्लोरीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट विच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज एक्ट एज अ स्टैंडर्ड विच इज़ 4, और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम हो जाती है 2.2। आप सोच रहे होंगे यहाँ एस्टेटिन की कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखी गई, ये चूँकि हमारे पास रेडियो एक्टिव फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं इसलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मिस हैं, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन। आई होप हैलोजन से रिलेटेड सम बेसिक का बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हमारे कोर्स का लास्ट टॉपिक होगा। सो नाउ लेट्स रिवाइज द मेन पॉइंट्स ऑफ टुडे लेक्चर। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करेक्टर। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करेक्टर? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करेक्टर इज अ मेजर ऑफ एन एटम ability to attract the shared pair of electron of a covalent bond toward itself is called electronegative character. Okay, in short we can say that element on extreme right corner of periodic table will be the most electronegative element.
and these element are basically called as non-metals. Next is, what is halogen? The word halogen come from two word, halo means salt and gen means former. So it means that all halogen can form salt. Group 7 element are collectively called as halogen, and halogen element consists of 5 element, which are fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. They do not exist in elemental form in nature. At room temperature, fluorine and chlorine are gases, bromine are liquid, and iodine and astatine are solid. Next is halogen reactivity. From the electronic configuration of halogen, we can see that its electronic configuration end with NS2 and NP5, which means that it contains 7 electrons in its outermost shell. They need 1 electron to complete their octet, and by gaining 1 electron, they form anion, which are commonly known as halide ion. Next, we discuss about the physical properties of halogen. We discuss some of the physical properties of halogen, that halogen exists in all three physical states at room temperature. They are poor conductor of heat and electricity. Their ionization energy, their electron affinity value decreases from top to bottom in a group. These are some of the physical properties of halogen. So now, student, your homework is write all lecture on your worksheet. Inshallah, in the next lecture, we discuss about its chemical properties, which is our last lecture of this whole course. Thanks. Allah Hafiz.